other four we come to Mother for the discovery of yes. Okay. So subcompendium. First of all, main the fundamental qualities of atom was discovered which are electron, proton, neutron. Then Ernest Rutherford, a British physicist in 1911 में इन इहो तजवीज़ कयो हिकु एक्सपेरिमेंट कयो त दीस थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम जी अकोमोडेशन माना कंहिं बि एटम स्ट्रक्चर में हिकु एटम जा थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स आहिनि उहे एटम जी कहिड़ी कहिड़ी जॻहि ते मौजूदु आहिनि या एटम जी स्ट्रक्चर कीअं उन एटम जी स्ट्रक्चर खे सम्झण जे लाइ हिन हिकिड़ो एक्सपेरिमेंट कयो पार्ट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जीअं हिन हिकु एक्सपेरिमेंट कयो हिन उन एक्सपेरिमेंट में कंक्लूड कयो जीअं असां हिन स्ट्रक्चर खे ॾिसंदासीं हीअ जेकी स्ट्रक्चर आहे इहा जंहिंमें अल्फा पार्टिकल्स कंहिं बि ब्लॉक में यानी हेॾो इंस्ट्रूमेंट ताईं अंदरि थो थिए हीउ हिकिड़ो ब्लॉक आहे इन ब्लॉक में हीउ जेको रेडियो एक्टिव सोर्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूदु आहे ठीकु आहे हाणे इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट मां ही जेके रेडियो एक्टिव सोर्सिस हूंदा आहिनि यानी अल्फा पार्टिकल्स ठीकु आहे यानी अल्फा पार्टिकल सोर्स कमिंग फ्रॉम दी रेडियो एक्टिव सोर्स जेको हिते रेडियो एक्टिव सोर्स आहे असां कहिड़ो बि एलिमेंट रखी सघूं था फॉर एग्ज़ाम्पल यूरेनियम और रेडियम और को भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख सकता था वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैमें नेचुरल रेडियो एक्टिव प्रोसेस थे यानी जो देखो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन थे यानी इमीडिएटली डिसइंटीग्रेट थे पान स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेशन थे तो इनके असर यो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हाँ इन रेडियो एक्टिविटी के जरिए जो इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन उनमें उनमें जो इन्यूजिव रेडिएशन्स आर एमिटेड फ्रॉम दी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हाँ वे रेडियो एक्टिव एलिमेंट में खास कर खास कर अल्फा पार्टिकल्स हाँ ये अल्फा पार्टिकल्स अस उन स्क्रेटिंग स्केटिंग कराइंदी इन लीड ब्लॉक में हाँ ये जो लीड ब्लॉक आ लीड ब्लॉक हाँ इन लीड ब्लॉक या स्प्लिटिंग चाहिए स्लिट जो इन रेडिएशन्स के अल्फा रेडिएशन्स के इन द फॉर्म ऑफ बीम बीम की सूरत में इन के असा स्ट्रेटिंग कराइंदासीं इन फोटोग्राफ इन गोल्ड मेडल फॉर सां ठीकु आहे सो जेके हीलियम हिन जेकी अल्फा रेडिएशन्स इमिट था थियनि हिन रेडियो एक्टिव सोर्स मां उनखे असां चवंदा आहियूं हीलियम हेयर टू एटम नंबर बट इट्स मास नंबर इज फोर हिन जो जेको मास आहे फोर आहे यानी इन जो मतिलबु छा आहे हिन में टू प्रोटॉन्स हूंदा एंड इलेक्ट्रॉन्स भी टू हूंदसि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू ठीक है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में जो मास के साथ एड कंदासीं एड कंदासीं सम कंदासीं उन मास नंबर फोर आज एटॉम के नंबर डिपेंड कर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडेड बाय द न्यूक्लियस इन एटॉम नंबर टू ठीक है असर के स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसा हिंदी एटॉमिक स्ट्रक्चर
हीलियम बी एन न्यूक्लियस में टू प्रोटॉन्स है, टू न्यूट्रॉन्स है, टू इलेक्ट्रॉन है इन न्यूक्लियस में, इन न्यूक्लियस से जुदा दी के शेल में जो टू इलेक्ट्रॉन्स इन रिवॉल्व करता अराउंड दी न्यूक्लियस एटम, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। सो जने हीलियम ये पई इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो, लॉस कर सकते हो, तो हीलियम पे प्लस टू चार्ज ही, हीलियम पजेसेस टू प्लस चार्ज व्हेन हीलियम लॉसेस टू इलेक्ट्रॉन, यानी हीलियम पांचो आखिरी शेल में पहले का लॉस कर लो ना पे पॉजिटिव टू चार्ज थी, हाँ हीलियम जी इधर पॉजिटिव टू, हाँ हीलियम के आसान में कर सकता हूँ मैं एच टू प्लस टू, हीलियम जी इधर पॉजिटिव प्लस टू चार्ज के दे करे असा हीलियम जेके पर हीलियम जेके रेस है ना उन के जाऊँ ना हीलियम से हीलियम पार्टिकल्स है पॉजिटिव चार्ज शायद के पॉजिटिव चार्ज है सो जब रही वो हीलियम आ पांच आखिरी शेल में ये बड़ी इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका हुआ ठीक है। हाँ ने ही जेकी हीलियम जो इन्हें रेडियो एक्टिव सोर्स मार्केट असान हीलियम पार्टिकल्स सॉरी के अल्फा पार्टिकल्स असान के मिलन था असान इन अल्फा पार्टिकल्स के इन गोल्ड मेटल फॉइल यानी कि गोल्ड मेटल फॉइल यानी सोने के बड़ो संदर्भ इन सोने के संगे तरह मां असान अल्फा पार्टिकल्स जिनके अल्फा रेज हैं वो ऐसा स्कैटरिंग कराएगा सी पास कराएगा सी और इन गोल मेटल फॉइल के ऐसा उन्होंने चौधरी इतनी स्क्रीन रखी और इन स्क्रीन आ इन्हें क्या नाम हूँ इट इज मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड, इन्हें कैसा जिंक सल्फाइड स्क्रीन में कैसा होता और इन की स्क्रीन आ उन स्क्रीन के अंदर अस फोटोग्राफ उन स्क्रीन के अंदर अस ये समझो गोल्ड मेटल फॉयल जो अस फिल्टर इन गोल्ड मेटल फॉयल का असो ब्लॉक रखे लीड ब्लॉक रखे जैमें रेडियो एक्टिव सोर्स आने अल्फा पार्टिकल्स एमिटिंगा असा उन अल्फा पार्टिकल्स के उन अल्फा रेस के असा एज अ बीम ठीक है यानी किरण की सूरत में असा माना स्केटिंग कराइंदे इन गोल्ड मेटल फॉइल से यानी सोन के समय दर में अस अल्फा जहाँ पार्टिकल्स जैसे पास कराइंदे तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस विल बी पास्ड फ्रॉम दिस मेटल फॉइल यानी इन सने धातु सने सोन की धातु जो वर्क उन मां घना जो अल्फा पार्टिकल्स अल्फा रेस पास सम ऑफ फ्यू जो अल्फा रेस सेकंड सम ऑफ फ्यू अल्फा रेज विल बी डिफ्लेक्टेड इन द लार्ज एंगल्स यानी सो जने इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करो उन मां जिके सजा इन सोन की सने कर मां घना जिके अल्फा रेज इन बिना मोड़ जे पास किया जी बिना मोड़ जे सोन जे वर्क मां पास किया इन जिंक सल्फाइड या फोटोग्राफिक प्लेट्स जी इस माना फोटोग्राफिक स्क्रीन सा टकराया तो उन फोटोग्राफिक स्क्रीन जे टकराने सा जे टकराने सा उन मां फ्लोरेसेंस या ग्लो प्रोड्यूस किया यानी मां चमक पैदा की ठीक है। बाद में सम ऑफ फ्यू यानी उन मां जगह कुछ जगह पार्टिकल्स हैं वर डिफ्लेक्टेड इन द लार्ज एंगल्स यानी 100 जी टकरा उन मां कुछ जगह पार्टिकल्स हैं माना वही कुंड दे माना अनडिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट ही करे वही कुंड लार्ज एंगल दे
முடிகா அண்ட் இன் ஜெட் சல்ஃபைட் ஸ்பீஸ் அக்கறா இன் மோசம் ஜீட் கிரைண்டா குரூப்ஸ் வன் ஆஃப் தி 8000 யானி ஜெகனே 8000 पार्टिकल्स जेकरे 8000 अल्फा रेज असा प्रोड्यूस असा स्केटिंग कराई इन गोल्ड मेटल फॉयल मा तो शादी तो उन 8000 रेडिएशंस मा एकड़ो जो को रेडिएशन सा वो बाउंड वो जी फॉर जी गोल्ड मेटल फॉयल मा स्केटिंग कराई दो वो वापस मोड आई यानी जी वो उनसा स्केटिंग करेंगे से तो वो बाउंस बैक एट द सेम डायरेक्शन ऑफ बम्बार्डमेंट यानी जी ये अल्फा रे सा बम्बार्ड करे बम्बार्ड में करेंगे से के इन सोन दिशा में दरवा उनमा मोस्ट ऑफ दीस पार्टिकल्स कैन बी पास्ट इन स्पेस यानी वो सीधी लाइन में यानी घना उनमा पास इंदा सीधी लाइन सब करेंगे ठीक है उनमा जो कुछ जो वही गुण थी करा उन 8000 पार्टिकल्स में 8000 श्वार में श्वार अड़ो हों वो हों जो जी उन जी सोन मन सोन की संता में पास वरी वापस सही हाँ हे जो एक्सपेरिमेंट कर एक्सपेरिमेंट में इन कंक्लूजन कर।